भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भोजपुरी के दो ऐसे नाम हैं जो एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते। अब भाई जहां भोजपुरी इंडस्ट्री की दो बड़ी फिल्में कुली नंबर वन और क्रैक फाइटर की बात हो रही है, तब वहां पर ये कहावत सबसे परफेक्ट उतर रही है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या नया हो गया, तो भाई चलिए हम किस लिए हैं, तो भाई अब हम बताएंगे कि क्या नया हुआ है इस बड़ी जंग में। तो शुरुआत करते हैं सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट से। तो भाई खेसारी लाल यादव की फिल्म कुली नंबर वन को मिला है यू सर्टिफिकेट और खेसारी लाल यादव के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर को 40 कट के बाद मिला है ए सर्टिफिकेट। अब आपको यहाँ ये बता दें कि यू सर्टिफिकेट मिलने से क्या होता है और ए सर्टिफिकेट मिलने से क्या होता है। यू सर्टिफिकेट मिलने से खेसारी लाल यादव की फिल्म बच्चे से लेके बूढ़े तक देख सकते हैं, लेकिन ए सर्टिफिकेट मिल जाने के कारण पवन सिंह की क्रैक फाइटर सिर्फ अडल्ट लोग यानी कि 18 साल की उम्र से ऊपर के लोग ही इस फिल्म को देख सकते हैं सिनेमा घरों में। 18 साल की उम्र से कम व्यक्ति इस फिल्म को थिएटर में नहीं देख सकता। इससे कहीं न कहीं लॉस फिल्म का ही होता है। अगर यू सर्टिफिकेट किसी भी फिल्म को मिलता है तो इसे बच्चे से लेकर जवान सभी देख सकते हैं। इससे ये पता चलता है यह फिल्म फैमिली फ्रेंडली है। तो इस मामले में कहीं न कहीं खेसारी लाल यादव का पलड़ा भारी है, लेकिन अगर लोकप्रियता की बात करें तो पवन सिंह के आगे आज भी खेसारी लाल यादव नहीं टिकते, क्योंकि उनकी फिल्म कुली नंबर वन को एक दिन में 20 लाख लोगों ने देखा था, तो वहीं पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर को एक दिन में 35 लाख लोगों ने देखा। इससे ये पता चलता है कि पवन सिंह की लोकप्रियता कहीं न कहीं खेसारी लाल यादव से अधिक है। भले ही पवन सिंह की फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला जरूर है, लेकिन वो कुली नंबर वन के लिए कहीं से भी फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। अगर खेसारी लाल यादव की फिल्म कुली नंबर वन होली पर रिलीज होती तो समझ में भी आता है कि इन दोनों फिल्मों में टक्कर होगी, लेकिन अब कुली नंबर वन होली पर रिलीज न होके कुछ दिन बाद रिलीज होगी। इस बात की पुष्टि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको दो दिन पहले ही कर दी थी। अब सीधे सीधे टक्कर पवन सिंह की निरहुआ के शेरे हिंदुस्तान से होगी और पवन सिंह की सीधे सीधे टक्कर केसरी से भी होगी, जो अक्षय कुमार की फिल्म है जो इसी होली पर रिलीज हो रही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।